हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्केबल रेसिपी। फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने वाली हूँ एकदम बढ़िया कुरकुरे, चटपटे और स्वादिष्ट मूंग दाल पकौड़े की रेसिपी। इसे बनाना एकदम इजी है, स्पेशली बारिश के दिनों में और ठंड के दिनों में मूंग दाल पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी क्रिस्पीनेस का साउंड सुनाती हूँ। देखिए, है ना एकदम क्रिस्पी, तो बस देर क्यों की जाए, जल्दी से शुरू करते हैं इन्हें बनाना। इसके लिए लिए हैं ये 1.5 कटोरी मूंग दाल। यहाँ हम छिलके वाली दाल ही यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे मूंग के मोगर से भी बना सकते हैं, परंतु मुझे लगता है जो न्यूट्रिशन इसके छिलकों में, उसे क्यों वेस्ट किया जाए। फ्रेंड्स, इस दाल को मैंने 5 से 6 घंटे तक के लिए भिगो कर रख दिया था। देखिए, ये इस तरह से फूल चुकी है। अब इस भीगी हुई दाल को हम धो लेंगे। देखिए, थोड़ा और पानी डालकर एकदम हल्के हाथों से इस तरह से मसलते हुए धोएंगे। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इसमें फिर से थोड़ा पानी और डालेंगे, जिससे कि इसके थोड़े छिलके तैरकर ऊपर आ जाएंगे। अब इस बाउल में से थोड़ा पानी इस तरह से निकालेंगे, जिससे कि जो भी छिलके तैरकर ऊपर आ चुके हैं, वो पानी के साथ निकल जाएंगे। इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे। एक बार फिर से पानी डालकर धो लेंगे और फिर से पानी ड्रेन करेंगे, तो थोड़े और छिलके बाहर आ जाएंगे। फ्रेंड्स, हमने दाल में से पूरा पानी निकाल दिया है और अब आप देख सकते हैं थोड़े छिलके वाली दाल अभी भी बची है। बस एग्जैक्टली हमें इसी तरह की दाल तैयार करनी है। फ्रेंड्स, ये जो दाल के छिलके बचे हैं, यही सीक्रेट है एकदम क्रिस्पी पकौड़े बनाने का। अब बारी है इस दाल का पेस्ट बनाने की। इसको पीसने से पहले हम 1 टेबल स्पून भरकर बिना पीसी दाल को इस बाउल में डाल देंगे। देखिए, इस दाल में जो पानी बचा है, वो हमें पीसते समय नहीं लेना है। हमें कोशिश यही करनी है कि बिना पानी के ही दाल पीस ले। फ्रेंड्स, चूंकि हमें पानी यूज नहीं करना है इसे पीसते समय, तो हम एकदम थोड़ी थोड़ी दाल को जार में डालकर पीसेंगे, ताकि हमें मिक्सर चलाने में प्रॉब्लम न हो। हर बार हम 2 टेबल स्पून जितना ही पीसते जाएंगे। देखिए, इसी तरह से ग्राइंडर को हम 12-15 सेकंड चलाएंगे। हमें एकदम गड़गड़ा पेस्ट्री बनाना है। देखिए, इस तरह का फॉर्म हमें रखना होता है। इसी तरह से पूरी बची हुई दाल को पीस लेंगे और अब इस पेस्ट को दाल जो हमने बिना पीसी हुई इस बाउल में डाली थी, उसके साथ मिक्स कर लेंगे। देखिए, बिना पानी यूज किए भी बहुत ही अच्छा पेस्ट तैयार हो चुका है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी हमें इस तरह की रखनी है। देखिए, इस तरह से हाथ से भी हम चेक कर सकते हैं। अब ऐड करेंगे इसमें मसाला। देखिए, अभी लॉकडाउन की वजह से मेरे पास फ्रेश धनिया नहीं है, इसलिए ड्राई किया हुआ धनिया इसमें मैं डाल रही हूँ। आप इसमें एकदम बारीक कट किया हुआ हरा धनिया डालिएगा। ये हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट है। ये मैंने लगभग 5 हरी मिर्च और 2 इंच अदरक के टुकड़े से बनाया हुआ पेस्ट है। फ्रेंड्स, अदरक और हरी मिर्च मूंग दाल के पकोड़े का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। पूरा मेन जो टेस्ट मूंग के दाल पकोड़े का आता है, वो इसी से आता है, तो इसमें हमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। ये डाल रही हूँ मैं 15-20 सौंफ के दाने और 1-2 चुटकी डालेंगे हींग पाउडर की। 1 चम्मच लाल मिर्च, नमक ऐड करेंगे हम स्वाद के हिसाब से। 2 चम्मच हम ऐड करेंगे बेसन। फ्रेंड्स, बेसन ऐड करने से एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि हमारी पकौड़ियाँ तेल बिल्कुल नहीं पिएगी। अदरवाइज बिना बेसन के बनाऊं तो पकौड़ियाँ ऑयली होने का चांस रहता है। अब सभी मसालों को दाल के पेस्ट में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, बेसन डालने से पकौड़ियों का पेस्ट और भी परफेक्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब फाइनली बारी है पकौड़ियाँ तलने की। इसके लिए गैस ऑन करके रखेंगे तेल की कढ़ाई। तेल को अच्छी तरह से फुल फ्लेम पर गर्म करेंगे। अब चेक करने के लिए एक छोटी सी पकौड़ी डालेंगे। देखिए, तेल गर्म हो चुका है एकदम अच्छी तरह से। अब फ्लेम लो कर देंगे और एक एक करके पकौड़ियाँ तेल में डालते जाएंगे। देखिए, 1-2 मिनट में ये हल्की सी ब्राउन दिखने लगी। अब इन्हें पलटते जाएंगे और लो फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। देखिए, 3 से 4 मिनट में एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुकी है ये हमारी पकौड़ियाँ। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तैयार हो चुकी है क्रिस्पी क्रंची सुपर टेस्टी मूंग दाल पकौड़ियाँ। और जो इसमें हमने आखी दाल डाली थी,
वो बहुत ही सुंदर दिख रही है। देखिए इसे तोड़कर दिखाती हूँ, है ना फ्रेंड्स, ये ऊपर से एकदम क्रंची और अंदर से एकदम परफेक्ट पकौड़ियाँ। तो आप भी ट्राई कीजिए ये मूंग की दाल की पकौड़ियाँ और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसी तरह की और रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फीडबैक्स जरूर शेयर करें।